हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स यू ऑल। कंग्रेचुलेशन सबको, आपके ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हैं, स्पेशली 2021 का जो बैच है। अब आज स्पेशली न्यू नोटिस आया है जिसमें इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपको कैसे आपके रेगुलर एग्जाम फॉर्म की फिल करनी है, राइट। और जो किसी की फीस भी अगर डिपॉजिट अनेबल टू फिल है, मीन्स कोई जो आपके एग्जामिनेशन फॉर्म है वो फिल नहीं कर पा रहे स्टूडेंट कोई भी, तो अपने HOD या फिर क्लास इंचार्ज से कॉन्टेक्ट कर लें, राइट। आपकी SRF फी है या फिर यू कैन से स्टूडेंट रिलेटेड फी है या यूनिवर्सिटी रिलेटेड फी है 2021 बैच की, वो रहेगी आपकी ₹1150। प्रैक्टिकल एग्जाम हैं जो, वो आफ्टर थ्योरी एग्जाम होंगे, पहले थ्योरी एग्जाम फिर प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे। और जो आपका नोड्यूज है जो आपको क्लियर करवाना पड़ता है एग्जाम से पहले, तो वो आपके जो HOD हैं उनकी लॉगिन ID से ही होगा। और आपको नोड्यूज क्लियर करवाना पड़ेगा सबसे पहले, राइट। तो वो किससे होगा? कंसर्न्ड HOD की ID से। लास्ट वन इसमें है कि जो आपके थ्योरी एग्जाम है वो ऑनलाइन मोड में होंगे, जैसे कि अब तक होता आ रहा है कुछ टाइम से, 2021 में हो रहे हैं ना, अप्रैल मई में जैसे हुए थे, सेम मैकेनिज्म से होगा। इसमें आप लेट फी का ध्यान रखना, लास्ट डेट इसमें रहेगी 10 जनवरी, राइट, 2022। ये जो आप एग्जाम फॉर्म फिल करोगे 31/12 से स्टार्ट होंगे आपके एग्जाम फॉर्म, तो ये है 10 जनवरी तक, राइट। तो इस डेट के अंदर आप जल्दी से जल्दी अपने फॉर्म फिल कर लेना, बिकॉज इसके बाद आपकी लेट फीस लग जाएगी। और क्योंकि ना बाकी स्टूडेंट सोचते हैं कि हाँ लेट मतलब कि डेट अभी बहुत टाइम पेंडिंग है तो आराम से फिल कर लेंगे, लेकिन लास्ट में ना किसी को कुछ इशू आता है, कोई पेमेंट नहीं हो पाती, राइट। तो सब आप ध्यान रखना इस चीज़ का। आपका जो एग्ज़ाम फॉर्म है ये वेरीफाई भी करते हैं आपके HOD, उसके बिना आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, तो वो भी वेरीफाई करेंगे, राइट, जो कि आपकी HOD हैं। इसमें जो रेगुलर हैं फर्स्ट बैच और थर्ड सेम, राइट, ये फर्स्ट सेम है। लेट फी का ध्यान रखना, 10 जनवरी से पहले अपना फॉर्म फिल कर लेना और उसको वेरीफाई आपके जो HOD हैं वो कर लेंगे, राइट। देन अगर लेट फी होगी तो ₹1000 पर सेमेस्टर होगी, तो 11 जनवरी के बाद आपकी लेट फीस लगेगी। ये सब आप ध्यान रख लेना अपना। और जो आपकी एग्जाम फी है, राइट, वो सभी स्टूडेंट से ले ली जाएगी। अगर इफ इन केस अगर स्टूडेंट कोई फिल कर देता है और फॉर्म फिल करता है लेकिन अपनी जो फी है वो ऑनलाइन पे नहीं कर पाता, तो उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, इसलिए आप ध्यान दे देना अपना। एंड इसमें और डिटेल्स है, कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, स्पेशली सभी जो कंसर्न्ड स्टूडेंट्स हैं उनको इन्फॉर्म किया जाता है कि आपको यूजर ID और पासवर्ड अवेलेबल होगी, राइट, जो इंस्टीट्यूट है उसकी लॉगिन ID में। इफेक्टिव डेट आपकी 29 दिसंबर से आपको मिल जाएगी आपकी जो PTU ID है और पासवर्ड है। सभी स्टूडेंट्स को एडवाइस किया जाता है कि आप अपने इंस्टीट्यूट से कॉन्टैक्ट कर लें कि आपको अपने यूजर ID और पासवर्ड दे दें वो, राइट। जो स्टूडेंट 2021 बैच के हैं और उन्होंने अपनी फोटो या फिर सिग्नेचर अपलोड नहीं किए हैं, वो 29 दिसंबर 2021 के बाद अपनी फोटो भी अपलोड कर पाएंगे और सिग्नेचर भी अपलोड कर पाएंगे, राइट। और इसके बाद आपको आपका एडमिट कार्ड मिलेगा, अदरवाइज आपको एडमिट कार्ड भी नहीं मिलेगा। वहां पर स्पेशली इन्होंने बताया है कि आप लॉग इन कर यहां पर अपनी ऐसा साइन बना होगा वहां पर अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर का, तो वहां पर आप अपलोड कर पाएंगे। स्टूडेंट कैन अपलोड, ये स्पेशली नोट है कि कितने साइज की आपकी फोटो होनी चाहिए, सिग्नेचर कितने टाइप का आपका होना चाहिए साइज, राइट। तो आपकी जो फोटो है वो आपका जो साइज होगा वो 50 KB तक होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, और वो JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए या JPEG या फिर PNG फाइल्स। सिग्नेचर जो है उनकी भी स्पेशली इन्होंने वेट और लेंथ ये सब दिया हुआ, राइट, हाइट कितनी होनी चाहिए, तो इस चीज का आप ध्यान रखना जब भी आप अपलोड करें। जो आपके रेगुलर एग्जाम है, जो भी आप फिल कर रहे हैं, राइट, स्टूडेंट फिल कर रहे हैं, तो अपनी लॉगिन आईडी से उसकी जो वेबसाइट है वो रहेगी www.ptuexam.com। यहाँ पर आप जाओगे वेबसाइट पर, देन वहाँ पर आपकी PTU ID और पासवर्ड फिल करोगे, जो कि आप इंस्टीट्यूट से ही कंफर्म करेंगे, जो कि 29 दिसंबर 2021 से के बाद मिलेगी आपको आईडी, आप वहाँ से मिल ले सकते हो, राइट। जो आपकी कंपलसरी सब्जेक्ट हैं और बाकी आप जो कंफर्म करेंगे वो अपने HOD से कंफर्म कर लेना। कंपलसरी सब्जेक्ट हैं वो यूनिवर्सिटी खुद फिल कर देगी, और जो कुछ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं वो स्टूडेंट खुद फिल करेंगे। देन स्पेशली वहाँ पर एक कंफर्म बटन पर क्लिक करना पड़ेगा आपको, कंफर्म के लिए ऑप्शन आएगा,
अगर सभी सब्जेक्ट्स हैं जो कैंडिडेट अपीयर करेगा वो जब कंफर्म हो जाएंगे, एक ऑप्शन आता है जब आप लॉगिन करोगे तो ए सेक्शन ए और सेक्शन बी दिखेंगे नीचे, तो वहां पर सेक्शन बी में जाओगे, सभी सब्जेक्ट्स को कंफर्म करोगे जो जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, देन आप ऑनलाइन फी पे करेंगे, देन आपकी जो एग्जाम फॉर्म है वो प्रिंट करोगे आप, राइट, या फिर जो रिसीट है आपकी वो भी प्रिंट निकाल लोगे आप और उसको अपने जो HOD है उनको डिपॉजिट कर दोगे, ऑलराइट। अगर आपकी ऑनलाइन पेमेंट नहीं होती है तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, आप 48 आवर्स के लिए वेट करना बैंक के लिए ताकि आपकी दोबारा ट्रांजेक्शन ना हो जाए, और आप किसी भी मोड से कर सकते हो, जैसे डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग, आप किसी के मोड में भी आप अपनी फी फिल कर सकते हो जो पेमेंट है। अगर स्टूडेंट का कोई लॉक कर देते हैं अपने रॉन्ग सब्जेक्ट, तो आप अपने जैसे स्पीड में जल्दबाजी में हर कोई स्टूडेंट ऐसे कर देते हैं कि हमारे रॉन्ग सब्जेक्ट लॉक हो गए हैं तो अब हम क्या करें, राइट, तो आप अपने जो कंसर्न्ड HOD हैं या फिर क्लास इंचार्ज हैं उनसे इमीडिएट कॉन्टैक्ट करें उसी टाइम कि हमसे गलत सब्जेक्ट वो हो गया है वहाँ पर लॉक, तो हमें सजेशन, या फिर वो अपनी ID से भी ठीक कर सकते हैं उसको। अगर आपके एग्जाम फॉर्म में कोई मिस्टेक होती है फाइनल कंफर्मेशन के बाद बाय HOD, अगर HOD के थ्रू भी हो जाए, इफ इन केस जब HOD कन्फर्म कर देते हैं कि हमारा ओके हो गया है और आपकी कुछ मिस्टेक थी वहाँ पर, राइट, तो अलग से करेक्शन फी लगती है जो कि आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी कर सकते हो, जो कि ₹1000 पर सेमेस्टर लगेगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना कि आप गलतियाँ करो ही ना, राइट। जो नो ड्यूज हैं आपकी वो ऑनलाइन होंगी जो कि आपके HOD हैं उनके लॉगिन ID से, राइट, जो PTU की उनकी खुद की ID है, वहाँ से आप नो ड्यूज क्लियर करवा पाएंगे। आप जस्ट एग्जाम फॉर्म फिल करेंगे और पेमेंट करेंगे अपनी खुद की ID से। एडमिट कार्ड भी आप वहीं से डाउनलोड कर पाओगे, और जो जब आपके HOD कंफर्म कर लेंगे तब आप मतलब डाउनलोड कर पाओगे एडमिट कार्ड, सॉरी। अगर कोई स्टूडेंट है अपना पासवर्ड भूल जाता है इफ़ इन केस, तो वो अपने जो कॉलेज है या इंस्टीट्यूट है या फिर अपने जो HOD हैं क्लास इंचार्ज, राइट, वहाँ से आप ले सकते हो अपना जो पासवर्ड है वो, या फिर आप वहाँ पर क्लिक भी कर सकते हो, राइट, के फॉरगेट पासवर्ड। एक ऑप्शन और है, अगर मान लो क्योंकि सब यूज़ करेंगे वेबसाइट, तो अगर आपकी वेबसाइट वर्क ना करे देन स्टूडेंट सभी को एडवाइस किया जाता है कि 3 घंटे के लिए वेट करना ताकि साइट बहुत ही ज़्यादा सर्वर डाउन ना हो जाए, राइट, क्योंकि सब बिजी होंगे ना, हर एक स्टूडेंट लगे होंगे वेबसाइट पर। अगर किसी को कुछ क्यूरी है तो अपनी क्यूरी आप रेज कर सकते हो, जो आपकी PTU ID और पासवर्ड होगा वहाँ से लॉगिन कर। वहाँ एक स्पेशली ऑप्शन होता है स्टूडेंट के लिए क्यूरी रेज करने के लिए, तो वहाँ से आप क्यूरी रेज कर सकते हो। अब इसमें जस्ट मैं आपको ये बता देती हूँ कि कौन क्या क्या परफॉर्म कर रहा है अपने फंक्शंस। जैसे फोटो और सिग्नेचर के लिए आपको बोला गया कि कंफर्म करना है, तो वो आपके जो HOD हैं या फिर क्लास इंचार्ज हैं वो कर देंगे, आपने जस्ट अपलोड करनी है, राइट, साइज आप देख लेना फोटो का। फिलिंग ऑफ जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं वो स्टूडेंट फिल करेंगे। ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म की जो फीस है वो आप खुद करेंगे स्टूडेंट्स। कंपलसरी सब्जेक्ट हैं जो ऑलरेडी सब यूनिवर्सिटी वाले सब्जेक्ट्स हैं जो, वो यूनिवर्सिटी खुद फिल कर देगी, लॉक कर देगी। जो एडिशनल है या फिर कोई डिलीट किया आपने सब्जेक्ट, राइट, अगर कंफर्म करना है तो वो आपके HOD ठीक करेंगे उसको, अगर चेंज करना है कुछ आपने। ऑनलाइन नो ड्यूज है वो आपके HOD कन्फर्म करेंगे, और एडमिट कार्ड है वो आपकी खुद की ID से मिलेगा आपको, मतलब कि अगर आपने प्रिंट निकालना है उसका, राइट। ये आज का आपका नोटिस था, कॉन्ग्रेचुलेशन, ऑनलाइन एग्जाम होने वाले हैं और आप फॉर्म जल्दी से जल्दी फिल कर लेना, लास्ट डेट भूलना मत, 10 जनवरी से पहले पहले आप फिल कर लेना, और स्टार्टिंग की डेट रहेगी 31 जनवरी, वरना सबकी लेट फीस लगेगी। ऑलराइट, थैंक यू सो मच।